नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। दोस्तों, नीलामी में हिस्सा लेकर आप काफी सस्ती कीमत में संपत्ति खरीद सकते हैं, जिसमें प्लॉट, मकान, दुकान, फ्लैट कुछ भी शामिल हो सकता है। अब नीलामी में हिस्सा लेकर लेने का फायदा यह होता है कि यहाँ पर आपको जो मार्केट वैल्यू है उससे थोड़ी सस्ती कीमत में संपत्ति मिल जाती है। नीलामी कौन करता है? नीलामी जो है बैंकों के द्वारा ही लीगली की जाती है। दरअसल क्या होता है कि बैंक जो है व्यक्ति को या फिर बिजनेसमैन को किसी को भी लोन देती है संपत्ति के एवज में। संपत्ति गिरवी रखने के बाद यदि व्यक्ति लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाता है समय पर, तो बैंक ऐसे में व्यक्ति को नोटिस भेजती है और नोटिस भेजने के बाद लीगली उसकी नीलामी की जाती है। तो यह जो नीलामी की प्रक्रिया होती है वह पूरी तरह से ऑनलाइन होती है और यहाँ पर आपको मार्केट वैल्यू से थोड़ी सस्ती कीमत में 90% या 10 या 20% सस्ती कीमत में जो है प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो इस तरह से नीलामी में हिस्सा लिया जाता है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। इसी की वजह से नीलामी में जो है लोग शामिल नहीं हो पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी जगह पर जो है आने वाले समय में नीलामी होने वाली है। और इसी के साथ में भारत के जो अलग अलग शहरों में बैंक के द्वारा जो है नीलामी हर समय चलती ही रहती है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। तो इस वजह से बैंक और लोगों के बीच में एक गैप बन जाता है। तो ऐसे में हम आपको अलग अलग राज्य के बारे में, नीलामी के बारे में बताएंगे। लेकिन आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि आप कौन से राज्य स्टेट में रहते हैं, तो वहाँ की नीलामी की कोई भी जानकारी है तो वो भी हम आपको शेयर करते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ स्टेट को ले रहे हैं जहाँ पर आपको नीलामी की प्रक्रिया के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बात करें यदि मुंबई की, तो मुंबई में जो है केनरा बैंक के द्वारा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जो है उसका अंधेरी वेस्ट में जो है नीलामी हो रही है। नीलामी की तारीख जो है 8 फरवरी 2019 है और इसकी कीमत जो है 74 लाख रुपए है। इसी तरह से जो है केनरा बैंक के द्वारा एक फ्लैट की नीलामी की जा रही है अंधेरी वेस्ट में। 8 फरवरी 2019 जो है इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की और इसकी कीमत 1,75,00,000 रुपये है। तो इस तरह से काफ़ी प्रॉपर्टी है जिसकी नीलामी जो है मुंबई में हो रही है। अगली नीलामी चेन्नई में हो रही है। चेन्नई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेसिडेंशियल फ्लैट की नीलामी की जा रही है। अम्बत्तूर लोकेशन है और 23 जनवरी 2019 इसकी तारीख है अंतिम और 37,80,000 रुपये नीलामी की कीमत है। इसके अलावा डीसीबी बैंक के द्वारा फ्लैट इन मनकपक्कम और यहाँ पे जो नीलामी है जो 18 फरवरी 2019 को होगी, जिसकी कीमत है फ्लैट की कीमत है 48,50,000 रुपये। इसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी प्रॉपर्टी है जिसकी नीलामी चेन्नई में भी होने वाली है अलग अलग बैंकों के द्वारा। इसके बाद नीलामी की अगली लोकेशन है पुणे में। पुणे में जो है दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा 31 जनवरी 2019 को एक प्लॉट की नीलामी होगी जिसकी कीमत है 18,52,200 रुपये। इसके अलावा एक फ्लैट भी है, संसावाड़ी लिखा है यहाँ पर लोकेशन, और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से 31 जनवरी 2019 को फ्लैट की नीलामी होने वाली है जिसकी कीमत है 14,58,000 रुपये। इसके अलावा यहाँ पर एक फ्लैट भी है पुणे में जिसकी नीलामी 31 जनवरी 2019 को होगी, कीमत है इसकी 7,85,700। इसके अलावा नीलामी की अगली लोकेशन है कोलकाता। कोलकाता में भी नीलामी हो रही है, जिसमें एक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के द्वारा फ्लैट की नीलामी कोलकाता में की जा रही है। इसकी नीलामी की डेट है 26 फरवरी 2019 और फ्लैट की कीमत है 10,00,000 रुपये। और इसके अलावा जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक प्लॉट की नीलामी हो रही है खरदा में, वहाँ पर जो है 26 फरवरी 2019 को नीलामी होगी, कीमत है 26,87,980 रुपये और प्लॉट की कीमत रखी गई है। इसी के अलावा जो है काफ़ी सारे नीलामी जो है यहाँ कोलकाता में भी हो रही है। दोस्तों, यह थे कुछ राज्य जहाँ पर आने वाले समय में नीलामी होने वाली है, लेकिन इसके अलावा भारत के अलग अलग स्टेट और अलग अलग सिटी में भी नीलामी होती रहती है। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपको वहाँ की जानकारी भी दे दी जाएगी। और बताई गई इस नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है बैंक ऑक्शन की, वहां जाकर आप इसमें पूरी जानकारी जो है ले सकेंगे।